द प्रेजेंस ऑफ नोटो कॉर्ड इट इंडिकेट दैट वी बिलोंग्स टू देटा आप भी कॉर डेटा है मैं भी कॉर डेटा हूं येस हमारी नोटोकॉर्ड डिफ्रेंशिएटेड इन टू दीज hi everyone myself dr shivani sharma and today we are going to topic or discuss that is your evolution of elephant okay in this session i'm going to discuss about how elephant evolves do you know what initially elephant they were not used to look like that initially elephant was look like a pig yes you mm. heard me right धीरे धीरे क्या इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ टस्क का इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ ठीक है अभी आप जैसे आज का एलिफेंट देखते हो द मॉडर्न एलिफेंट यू सी अराउंड योर सेल्फ आपके पास दो जनरा है

दे वर लार्जेस्ट मैम इन द सर्थ येस नो लार्जेस्ट है मैं मॉथ की बात में नहीं करूँगी बिकॉज इट वॉज एक्सटेंट एंड आपको पता है जो एलिफेंट होते हैं दे हैव अ वेट अबाउट सिक्स टू सेवन टर्न देव अ प्रेजेंस ऑफ लार्जर एलि एयर पिना एंड जैसे लॉक्सो जॉइंट होते हैं इनके एयर पना देर यूज टू लुक लाइक अ पॉमली येस सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एलिफेंट टस्क होता है लॉन्ग ट्रॉक होता है जिसको आप प्रोबोसिस बोलते हो लेट स्टार्ट सो एलिफेंट बिलोंग्स टू विच किंगडम इट बिलोंग्स टू दिंगडम एलिमेलिया ओके अगर मैं एक इसका सिक्वेंशियल वे देखूं कि बिलोंग्स टू विच किंगडम फाइलम ऑर्डर फैमिली एंड जीनस सो इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया फाइलम कॉर्डेटा बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ नोटो

Introduction Elephants are huge, having weight about 6 to 7 tons, and their limbs are very, very thick. As we were already discussed, they are the heaviest mammals. The limbs are thick and they are pillar like. They have plenty great posture. What is plenty great posture? The posture, like which we used to do on sole. Jisi humans ka hota, ye kya hai? This is your sole. फूट का जो सोल होता है उसी के थ्रू आप चल रहे हो ना तो हमारा भी क्या है प्लेटिग्रेट पोस्टर दे हैव लॉन्ग प्रोबोसिस और यू कैन से ट्रंक नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ प्रोबोसिस अगर ये प्रोबोसिस मानो तो यहां ऐसे क्या प्रेजेंट होंगे अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल जिसकी वजह से दे इनहेल द एयर they have a pair of tusks and it kya hai? actually it is a modification of second pair of incisor teeth and the pinna is larger because ear pinna having a presence indicates we are mammals okay next uh, evolutionary trends what are the changes that we observed from ancestral elephant to the modern elephant first obviously साइज में चेंज हुआ है मैंने आपको बोला ना पहला जो इनसेस्टर था इट लुक लाइकर साइज था आज का मैमल देखो आप एलिफेंट कालिफेंट शो फॉलोइंग ट्रेंड द फर्स्ट इज इंक्रीज इन साइज साइज इंक्रीज हुआ है एंड द सेकेंड वन द इनक्रीज इन वेट फ्रॉम पेग लाइक साइज टू दैसिव साइज ऑफ एलिफेंट द्यूज चेंज यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ प्रोबॉसिस हो रहा होगा जैसे हमने टेखा अभी मैं आपको प्रोबॉसिस बोल रही हूँ सो इट वॉज द मॉडिफिकेशन ऑफ अपर लिप ओनली द फॉर्मेशन ऑफ है फॉर्मेशन ऑफ पिलर लाइक द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पेयर ऑफ इन साइज इन टू द द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉल मोलर्स फ्रॉम डू नो डोंट डू यू नो वॉट गाइज जो आपकी डेंटिशियन डेंटिशियन मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टूथ आपके जो टूथ होते है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लाइक इफ आई टॉक अबाउट दी ह्यूमन डेंटिशियन फर्स्ट वी आर हेट्रोडोंट हेट्रोडोंट मीन्स वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ टूथ इन साइजर्स वी हैव कनाइंस मोलर्स एंड प्री मोलर्स

सो यू कैन सी अ चेंज वेरी इजिली ये देखो कितना चेंज है इनिशियल ट्रंक भी प्रोबॉस भी वेल डिफाइंड नहीं थे इवन तो यू कैन सी दर पेना एंड द साइजिक लाइक है अभी का आप देखो प्रेजेंस ईयर पेना वेल डेवलप्ड प्रोबॉसेस यू कैन सी हेयर यू कैन सी हेयर द टस्क दिम्स यू कैन सी विच इज अ वॉट विच इज अ पिल्लर लाइक ओके नेक्स्ट आपकी जो मेन स्टेजेस है लेके आपका लॉक्सोडोंटा एंड uh, okay? so हाँ, देन ऑब्वियसली और लास्ट वन ओके सो सी मोयरोथीरियम वी हैव हाँ, देन वी हैव पेलियोमेस्टोडॉन ब्यूनोमेस्टोडॉन टेट्रेलोफोडॉन स्ट्रिगेलोफेडॉन मेमोथ एलिफर्स एंड लॉक्सोडॉन मैमोज हमें नहीं मिलते मेमोज वॉज एक्सट्रींट इसके हमें फॉसल्स मिले थे एंड ऑब्वियसली इन सब के भी आपको फॉसल्स मिले थे बट मेमोज ना आइस बेड्स में आके दफन यू कैन से इट बरी हो गए थे तो इट इज अ काइंड ऑफ लिविंग फॉसल्स यू कैन से इट कौन कौन like, कौन से से में में थे ये कौन से epoch में, main lines कौन सी थी main lines का मतलब होता है जिससे हो okay, जिससे आपका मॉडर्न एलिफेंट इवॉल्व होके आया है ये साइड लाइन क्या थी ये डायरेक्ट एंसेस्ट्रल लाइन पे नहीं था सिंस ये डायरेक्ट एंसेस्ट्रल लाइन पे नहीं था तो हमने इसको कंसीडर भी नहीं करा हमारा मॉडर्न एलिफेंट इवॉल्व हुआ है सो so, इोन में आपका क्या था मोरिथीरियम ओलिगोसीन में आपका पेलियोमेस्टोडॉन, मायोसिन में योर ब्यूनोमेस्टोडॉन प्लायोसिन में योर ट्रिट्रालोफेडॉन, स्टिगेलोफेडॉन स्टिगोडॉन स्टिगोडॉन भी डायरेक्ट इंस लाइन पे नहीं था सो वी जस्ट कंसीडर दिस स्टिगलोफेडॉन प्लियन में ये दो आए आपके मेस्टोडॉन स्टिगोमेस्टोडॉन

आप इसमें देख रहे हो क्या इसके पास प्रॉपर प्रेजेंस है प्रोबोसिस की वो भी नहीं है इसके पास तभी हम बोलते हैं जो आज का एलिफेंट है इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट इट फ्रॉम एंसेस्टर्स सो सी द रीसेंट एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट इज मोइरेथेरियम इट एक्सटेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ओलिगोसीन इट वाज स्वैम्प ड्वेलर इट लुक लाइक अ पिक It had no proboscis, they have a bunodon dentition they have diastem. What is diastream? I mean diastremia, hoga na. those who have a like gap in their teeth. Jinke teeth ke mein gap hota hai. So we dentists use it to say what diastremia they have. Okay. Space between teeth was present, hooves present in toes, occipital bone of long, second pair of incisor in अपर एंड लोअर जो एंड इन लार्ज जोर लाइक आप इसमें चेंज देखो यहाँ पर प्रोबोसिस नहीं है बट हेयर यू कैन सी अस इ्यूशन है मेन लाइन ऑफ एलिफेंट इवॉल्यूशन हम इसे मेन लाइन भी कंसिडर करते हैं

टर्स प्रेजेंट थे बट जो इसके अपर टर्स था दट इज क्वाइट इलांगेटेड एस कम्पेरिजन टू दी लोअर वन ओके बट ये प्रोबोसेस का साइज इतना नहीं था जितना आज के मॉडर्न एलिफेंट में द प्रोबोसेस वॉज शॉर्ट ओनली नेक्स्ट दिस इज ब्यूनोमेस्टोडॉन एंड इसका ये हमें फॉसल मिला था इट वॉज है नेक्स्ट आपके टेट्रालो, टेट्रालो से क्यों बोलते हैं बिकॉज फोर टर्स प्रेजेंट एज इन दी टेट्रोफॉन टेट्रालो का मतलब ही क्या होता है टेट्रा मीन्स व्हाट? फोर। टेट्रापैक्स आप सुनते हो ना टेट्रापैक्स का मतलब क्या होता है फोर लियर इन देव एंड टेट्रोलोफेडॉन हम बोल रहे हैं बिकॉज दे हैव फोर टर्स ओके इट लिव ड्यूरिंग प्लायोसीन, इट प्रोबॉस सिमिलर टू दैट मॉडर्न एलिफेंट इच मोलर द मेन लाइन ऑफ इवोल्यूशन एंड गिव राइज़ टू योर स्ट्रीगलोफेडॉन एंड स्ट्रीगलोफेडॉन्स से आपके तीन बने थे मेमूथ हो गया रॉक्सोड हो गया एंड एलिफर्स ये आपका स्ट्रीगलोफेडॉन है हम इसे बोलते इट वॉज द मेन लाइन ऑफ इवॉल्यूशन ऑन योर मॉडर्न एलिफेंट

It is sorry. They leave during Pleistocene. They are covered by a dense coat of hair. 50 mammoth. It is quite important. 50 mammoth ki fossils in the ice bed of Siberia. Mein. Okay?

डोमेस्टिकेशन like वर्क domestic, के लिए यूज नहीं कर सकते जो आप सर्कस वगैरह में एलिफेंट्स वगैरह देखते हो या लोग जिनकी राइड करते हैं दैट इज योर ओनली एशियन एलिफेंट विच इज नोन एज एलिफेंट ओके Thank you so much. In next video, we will going to discuss some another topic.